बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की पाकिस्तान वतन वापसी के लिए जो कोशिशें हैं, और सबसे बड़ी कोशिश है कि उनको अमेरिका की भयानक तरीन FMC कौरसल जो जेल है, जिसके इंतहाई तंग और तारीख कमरे में उन्हें रखा गया है, और जो इंतहाई जुल्म और सितम की जो दास्तान जो आफिया सदीकी के हवाले से है, उसको वहाँ से मुंतकिल करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं। और उन कोशिशों के हवाले से हमने अदालत से इस्तदा की थी कि हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर हदायात जारी की जाएं कि एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है और एक खातून को एक ऐसी बयानक जेल में रखना, यकीनन इसकी तफसीलात आपको सेनेटर मुश्ताक साहब तफसील से बताएंगे, क्योंकि वो वहाँ से ख़ुद होकर भी आए हैं और उस गैर इंसानी सलूक को उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है जो आफिया सदीकी साहिबा के साथ हो रहा है। तो हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि आफिया सदीकी साहिबा को उस जेल से, उस मौत की कोठरी से निकाला जाए और किसी ऐसी जेल में रखा जाए जहाँ कहीं ख्वातीन को रखा जा सके। तो इस हवाले से ही हमारी कोशिशें जारी हैं। इसमें जो अमेरिका में जो कानूनी कोशिशें चल रही हैं, तो अमेरिका में जो आफिया सदीकी के वकील हैं क्लाइव स्मिथ, उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि 15 नवंबर तक इस पर मज़ीद पेशरफ्त हम कर रहे हैं। तो 17 नवंबर की अदालत ने तारीख मुकर्रर की है और 17 नवंबर तक इस हवाले से कि आफिया सदीकी साहिबा को क्या रिलीफ दिया जा सकता है और उनकी मुश्किलात को किस अंदाज में कम किया जा सकता है, उस पर काम हो। तो अगली तारीख अदालत ने अब 17 नवंबर मुकर्रर की है। आज की समात इंतहाई मुख्तसर थी और उस पर इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात हुई है, और जज साहब ने बड़ी मेहरबानी से हुकूमत पाकिस्तान को भी और हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद भी इस बात का इरादा किया है कि आफिया सदीकी साहिबा को जो मुमकिन मदद हो सकती है वो फराहम की जाए। देखिए, अब इस हेयरिंग के बाद अगली 17 तारीख तक हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने क्या फ़राइज सर अंजाम देती है, क्योंकि बहरहाल पिछले 2010 से लेकर 2013 तक 13 सालों में सख्त मायूसी है। उम्मीद है कि ये मायूसी के बादल जो है वो हटेंगे और आफिया सदीकी के लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा होगी, कोई उसको थोड़ा सुख का सांस मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर आफिया, मज़लूम डॉक्टर आफिया के केस को तरजीह में रखा है और पूरी संजीदगी के साथ हुकूमत से हर समात पर पेशरफ के बारे में पूछती है। तो मैं इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। 7,507 दिन हो गए हैं, 7,507 दिन हो गए हैं कि डॉक्टर आफिया अमरीकी जेल के अंदर है, और जिस जेल के अंदर हैं वो अमेरिका का सबसे भयानक तरीन जेल है, जिसका नाम है FMC कॉरसवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरसवेल। अमेरिका के 10,000 से जायद कैदी जो अमेरिकी जेलों के अंदर कैद हैं, उसमें बदतरीन हालत में इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। उनका 7,507 दिन से अमेरिकी जेल में होना हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली है, हुकूमत पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी है। जितनी भी हुकूमतें इन 7,500 दिनों के अंदर आई हैं, उन सब ने मुजरिमाना गफलत की है, जिसकी वजह से आफिया अभी तक उस जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर इस वक्त भी सख्तियां हैं, उनके सहूलियात के हवाले से रसाई नहीं है, मुलाकातों के हवाले से उनको रसाई नहीं है। इसलिए मैंने अभी निगरान वज़ीर आज़म जब अमरीका के दौरे पर गए थे, तो मैंने उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की जब वो अमेरिका में थे, कि आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर आफिया का केस उठाएं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने इस केस को अहमियत नहीं दी और इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया, और हुकूमत में जब आए तो पसे पुछ डाला, इसी तरह निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरे अमरीका में निगरान वज़ीर आज़म ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर आफिया का केस नहीं उठाया। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो रोड मैप दें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर आफिया के पाकिस्तान चंद दिनों में आने के कानूनी और सियासी रास्ते मौजूद हैं, जिसमें रिव्यू ऑफ द पिटीशन है, जिसमें क्लेमेंसी पिटीशन को फाइल करना है, जिसमें
ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जो हैं उनके लिए रिलीफ मानना है, कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर उनके लिए रिलीफ लेना है, वो इस वक्त तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसे से अमेरिका के अंदर कैद हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो डॉक्टर आफिया के केस को तरजीह में रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो रोड मैप दे, वो बाकायदा प्लान दें, वो बाकायदा इकदाम करें, नज़र आने वाले इकदाम जिसके नतीजे में डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आ सके। अब दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह मैं खुद भी जाऊंगा, डॉक्टर फौजिया भी अमेरिका जाएगी। हम मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं कि हम जाएंगे और हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर आफिया से मिलेंगे और उनके केस को अमेरिका के अंदर कानूनी तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि वो संजीदा इकदाम करें, कौम की मजलूम बेटी, पाकिस्तान की बेटी, उसको पाकिस्तान लाने के लिए जिसका जो उनका हक है वो किरदार अदा करें। और उसके साथ साथ मैं आवाम से भी अपील करता हूं कि इस केस को ज़िंदा रखें, डॉक्टर आफिया के मूवमेंट को ज़िंदा रखें, डॉक्टर आफिया के वापस आने के मुतालबे को ज़िंदा रखें, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं ताकि डॉक्टर आफिया मज़लूम तरीन बेटी पाकिस्तान की जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ सके। बहुत शुक्रिया।